दिन पहले। गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज एक फिर से नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो है ना सभी ऑपरेटर भाई, सभी किसी भी ओनर इस वीडियो को पूरा देखना। आज का वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो बने रहे इस व्लॉग में पूरा एंड तक। गाइस आज है 1 तारीख और आज अमावस है, तो आज मशीन को धोकर चकाचक कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से मशीन चमक रही है और सुबह ही बड़ा मालिक आके मशीन को धो दिया है, चकाचक कर दिया है। तो यहाँ पे मशीन लाया है और यहाँ पे काम है, थोड़ा देव पूजा का कुछ मंदिर है वहाँ पे नया बनाया है और वहाँ पे उसका मंदिर बनाया, तो उसमें भी मंदिर को उठाना है और पटल डालना है, उसके अंदर मुरुम भरना है और उसके बाद में मंदिर उसके ऊपर रखना है। ये काम के लिए आया है, तो बने रहे इस व्लॉग में। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे मशीन की पूजा चल रही है, यानी कि अमावस है, तो अमावस के दिन नारल पूजा मिजा सब चल रहा है। आपके मशीन का पूजा चल रहा है क्या, नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि अक्सर मालिक लोग ऑपरेटर भाई भूल जाते हैं अमावस के दिन मशीन की पूजा। सक तो दूर की बात, मशीन के अंदर तो एक अगरबत्ती सुधा ही नहीं लगाते। देखो भाई, मालिक हो तो ऐसा सुबह 4 बजे आकर मशीन को धोकर चकाचक करके पूजा की तैयारी कर रखा है। और आप देख सकते हैं आज फिलहाल आज मशीन पूरा दिन मशीन बंद रखने वाले है, कोई काम नहीं करने वाले। जितने भी काम है उसको रोक दिया है, क्योंकि मैं सभी ऑपरेटर भाइयों को और किसी भी ओनर को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अमावस हो, कोई भी त्यौहार हो, उस टाइम पे मशीन की पूजा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अपनी लक्ष्मी है, तो उसी से हमारा धंधा चलता है, उसी से हमारा काम चलता है। तो मशीन की पूजा ज़रूर करना चाहिए। आप लोगों को सभी ऑपरेटर भाई को बताना चाहता हूँ कि आप भी है ना भाई, मशीन की पूजा ज़रूर कीजिए। मालिक में बोल भी दिया ना कि मशीन की पूजा मत करो, फिर भी आप मशीन की पूजा ज़रूर कीजिए, क्योंकि मशीन के साथ कोई भी कुछ भी अनहोनी होने से बच जाता है। आप है ना भाई, मशीन की पूजा ज़रूर करना चाहिए भाई। अब तो हमारी मशीन की तो पूजा तो कर लिया है, आपके मशीन की पूजा नहीं किया है तो नीचे कमेंट करके। हमारी मशीन तो आज बहुत ही स्पेशल तरीके से पूजा हो गई, क्योंकि तो हम ही करने वाले थे पूजा, लेकिन यहाँ पे काम करने के लिए आए थे, तो हमारे पास तो ऑलरेडी सामान था, तो इनके हाथ से मशीन की पूजा करवा दिया। तो बहुत ही स्पेशल रहा आज का हमारा मशीन का पूजा। आप में से कितने लोग मशीन की पूजा करते हैं, त्यौहार के टाइम पूजा वगैरह करते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता। देखते हैं पता चलेगा कि कितने लोग मशीन की पूजा करते हैं, कितने लोग मशीन की पूजा नहीं करते, वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन ऑपरेटर भाई को और उन मालिक लोगों को जो मशीन की पूजा तक करते नहीं है, उन्हें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरा एक आप लोगों को संदेश भेजना है कि मशीन की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, बस यही संदेश भेजना है। और फिलहाल हम ये काम करने के लिए आए, यहाँ पे मंदिर का काम चल रहा है, मतलब जो मूर्ति है मशीन के अंदर दबी हुई, थोड़ा सा नीचे में रखा था, अभी नया काम चल रहा है, तो ये काम करने के लिए आए है। लेकिन काम आप लोगों को बताना चाहूँ, इसमें ना काम है ना, दो काम ऐसा होता है जो मंदिर का काम होता है, देव द्वार का काम होता है, मंदिर का काम हो या कुछ भी काम हो, तो ये काम हो और दूसरा एक काम होता है वो मशान भूमि होता है, इनके पास वो काम, ये दोनों काम मेन होता है। ये काम को बहुत ही संभाल कर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। अगर हमारे थोड़ा सा भी गलती हो गया, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया, तो हमें भी प्रॉब्लम हो जाता है। आप देख सकते हैं हमारे ऑपरेटर साहब यानी कि जेसीबी का मालिक कितना अच्छी तरीके से मशीन जो अपना काम कर। Thank you.
तो फ़िलहाल अभी पूजा मिजा हो गया है, तो फ़िलहाल अभी काम बंद कर दिया है और काम बंद रखा है। तो फ़िलहाल आज के व्लॉग में बस इतना ही। ये व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों, फिर से एक नए व्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम।